एस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में लर्निंग कर्व में एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 7 सॉल्व करनी है, जिसके रिक्वायरमेंट है लर्निंग रेट फाइंड करना। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस ईच ऑफ द फर्स्ट फोर बैचेस, ईच ऑफ द फर्स्ट फोर बैचेस का मतलब है कि ये टोटल टाइम नहीं गिवन, ना ही एवरेज टाइम गिवन है, ये हर एक बैच पे आने वाला जो हम मार्जिनल टाइम जिसको बोल रहे होते हैं ना वो गिवन है। थर्ड बैच पे आने वाला 62, फोर्थ पे 57, ये गिवन है। बेस्ड ऑन द अबव डेटा द रेट ऑफ लर्निंग वॉज क्लोजर टू। तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग में जाएं, हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि यूनिट्स होते हैं, जब यूनिट डबल हो रहे होते हैं तो लर्निंग जो होती है वो एवरेज आवर्स पे अप्लाई हो रही होती है। एवरेज आवर्स जो होते हैं, एवरेज टाइम रिड्यूस हो रहे होते हैं एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो यही कॉन्स्टेंट रेट हमने फाइंड करना है व्हेन आउटपुट इज डबल। अब क्वेश्चन में टोटल आवर्स भी नहीं गिवन, अगर टोटल आवर्स गिवन होते तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कराते यूनिट से एवरेज आवर्स आ जाते। एवरेज आवर्स भी नहीं गिवन, एवरेज आवर्स गिवन होते तो डायरेक्ट हम इसको फाइंड कर सकते थे। क्वेश्चन में जो है हमें मार्जिनल आवर्स दिए हुए, ये वाला जो डेटा है ना वो हमें प्रोवाइड हुआ हुआ है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, बैच नंबर या यूनिट्स रख लेते हैं, टोटल टाइम, एवरेज टाइम, लर्निंग जो है हमेशा एवरेज टाइम पे अप्लाई हो रही होती है, और यहाँ मार्जिनल टाइम, ये जो है मार्जिनल टाइम क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट बैच, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और मार्जिनल टाइम दिया हुआ है 100 मिनट्स, 70 मिनट्स, 62 एंड 57। तो बात कह रहे हैं, अच्छा बस ये डेटा गिवन था। तो इससे अब हम क्या करेंगे, पहले टोटल टाइम हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल टाइम कैसे आएगा, फर्स्ट बैच पे तो 100 ही है, तो एवरेज भी 100 ही रहेगा और मार्जिनल भी 100 रहेगा, फर्स्ट बैच का कोई मसला नहीं है। सेकंड बैच में क्या होगा, 100 प्लस 70, टोटल कितने टाइम हो गया 71, टोटल कितना टाइम आ गया 170। थर्ड बैच पे 170 में ऐड कर देंगे थर्ड यूनिट पे आने वाला मार्जिनल टाइम, तो ये थर्ड बैच का टोटल टाइम आ जाएगा। फोर्थ में क्या करेंगे, टोटल में ऐड कर देंगे फोर्थ बैच पे आने वाला मार्जिनल टाइम को, तो हमारे पास फोर्थ बैच का टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम आ गया तो एवरेज टाइम तो इजीली फाइंड हो सकता है। टोटल को डिवाइड कराएंगे एवरेज बैच से यूनिट से, तो हमारे पास एवरेज टाइम आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल को डिवाइड कराएंगे यूनिट से, और यहाँ पे भी टोटल को डिवाइड करा देंगे यूनिट से। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया डेटा। अब हमने फाइंड करना है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट कैसे आएगा, हमने देखना है कि आउटपुट यहाँ से डबल हो रहा है ना, आउटपुट यहाँ से 1 से 2 पे जा रहा है, डबल हो रहा है, यूनिट्स डबल हो रहे हैं, तो कांस्टेंट रेट से जो है वो एवरेज रिड्यूस होना चाहिए। तो कांस्टेंट रेट कैसे फाइंड करेंगे, 85 को डिवाइड अगर मैं कराऊं 100 से तो मेरे पास रेट आ जाएगा जो कि आगे 85% का। ये कैसे आया, वो क्या होगा, 100 को एक रेट से मल्टीप्लाई कराया होगा जो कि 85% होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आया होगा हमारे पास 85 का, क्या क्या होगा, 100 को जब हमने अगर सीधा सीधा चलें तो 85% से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 85। तो अब क्वेश्चन में जो है अब क्वेश्चन में हमें क्या किया कि 100 भी बता दिया और 85 भी बता दिया, तो इस 85 को जब मैं 100 को इधर लाके डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास ये रेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 85% का रेट आ गया, अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो 85% आ गया। अगर मैं चेक भी करना चाहूँ, अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं 85, आउटपुट डबल जब हो तो 2 से 4 पे जाना है, ठीक है, 2 से 4 पे जाना है, 3 पे नहीं जाना है, हमेशा ये लर्निंग कब अप्लाई होती है जब आउटपुट डबल होता है। तो 2 से जब 4 पे जाएंगे तो 85 से 72.5 का 72.25 पे आना है ना हमने। तो अगर मैं 85 को मल्टीप्लाई करा दूँ, ये जो हमने लर्निंग रेट फाइंड किया 85% से,
हम पहुंच जाएंगे 72.25, यहाँ पर 72.25। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब आउटपुट डबल हो रहा है, 2 से हम 4 पे जा रहे हैं, तो एवरेज टाइम जो है वो एक कांस्टेंट रेट से रिड्यूस हो रहा है। कांस्टेंट रेट हमने क्वेश्चन में फाइंड कर लिया कितना था, 85%।